नमस्कार, आदाब। मेरी अपनी महफिल पे आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं इस महफिल में आपको सुनाऊंगा इस्मत चुगताई के अफसाने। आज मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई का अफसाना, अंधा युग। मेरा नाम बाबूलाल है, आइए तशरीफ लाइए। उसके चेहरे पर तनाव छा गया, जैसे मैंने कोई गाली दे दी हो। छरेरा बदन, दराज गहरी सांवली रंगत और बेहद फुर्तीली कदरे सुर्ख, बड़ी बड़ी आँखें, सतवां नाक, फैला हुआ गहरे ऊदे होंठों वाला दहाना, सर पर खमदार खिचड़ी बालों का टोकरा। मुझे गुफ्तगू का आगाज करते हुए कभी झिझक महसूस नहीं होती, मगर बाबूलाल कुछ ऐसा भिन्नाया हुआ था कि मुझे भी तकल्लुफ होने लगा। पवार साहब ने भेजा है? ओहो, ये पुलिस वाले कितने भी नरम मिजाज नजर आए, ड्यूटी पर नंगी तलवार बन जाते हैं। मुझे खामोश पाकर बाबूलाल की कुछ हिम्मत बढ़ गई। ज़रा नरम होकर बोले, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं उस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी चाहती हूँ जहाँ मेरा गुजर मुमकिन नहीं। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मगर वो औरतें हम जैसी औरतों से बदसन होती हैं, कभी सच नहीं बोलती, बस दुखड़ा रोने लगती हैं। ज़्यादातर तो फिल्म लाइन के चक्कर में आती हैं और दूसरों के दरवाज़ों के साथ साथ मेरा भी दरवाज़ा खटखटा लेती हैं। उमूमन जिनका वक्त ख़त्म होने लगता है, वो बेटी को ज़रा बेहतर हालत में देखने की आरज़ू में होती हैं और रेखा या हेमा मालिनी के ख्वाब देखती हैं। ये फिल्म लाइन कोई कम ब्रॉथल है? वैसे तो पूरी दुनिया ही एक ब्रॉथल है, क्या नहीं इस बाजार में बिकता। जहां खुदा बिकता है वहां इंसान का मातम बेकार है। नहीं बाबूलाल जी, मैं कुछ भी हूं, बस फ्रॉड से दूर हूं। मैं इस पेशे की अखलाकी पस्ती के बजाय इक्तसादी और सियासी पहलुओं से ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। क्या ख्याल है आपका, क्या मौजूदा सेटअप में ब्रॉथल, मेरा मतलब है जिस्म का व्यापार, वक्त की जरूरत पूरी नहीं करता, जैसे बाथरूम? अच्छे काम की बात कही बाबूलाल, जरा बेतकल्लुफी से हंसे। शरबत या चाय? शरबत चलेगा। कोई बड़ा कारोबारी शहर बिना रंडी खानों के नहीं चल सकता, तभी तो समाज सुधार के दावेदार सीना कूबी करते। मैं कुछ करते नहीं, करते क्या, कर ही नहीं सकते। सबका नाता जुड़ा हुआ है ये रंडी खाने हम जैसे टकपुंजियों के नहीं हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, जो पुलिस और सरकार की छत्र छाया में फलते फूलते हैं। ये छापे जो पड़ते हैं सब दिखावे के लिए, हफ्ता बंधा हुआ है, कभी किसी बड़े ग्राहक के बल पर कोई दिखाता है, बस छापा पड़ जाता है। कानून कहता है रंडी का पेशा जुर्म नहीं, रंडी की कमाई खाना जुर्म है। ये लीजिए, रंडी कोई निगोड़ी नाठी होती है, उसका भी कटम होता है, अपाहिज बाप, निकम्मा भाई, बीमार माँ, और साहब तंदुरुस्त भी हों तो पेट सबके साथ लगा हुआ है।
और फिर दलाल बिना रंडी कितने दिन जी सकती है? पहली फुर्सत उन्हें शादी का वादा करके भगा ले जाते हैं और खुद कमाई खाते हैं रंडियों की। कोई भी ऐसा नहीं जो वाकई उनसे हमदर्दी रखता हो, हमेशा इस पेशे से नफरत करता है। ऐसे गधे अपने बब्बे में तो दिखाई नहीं पड़ते, आए दिन छोकरियां भागती रहती हैं, वही मिसल होती है कढ़ाई से निकल के चूल्हे में। ये आराम तलबी का पेशा नहीं है भी और नहीं भी, बस ये समझ लीजिए ये भी तबकाती, मेरा मतलब है जैसे सेठ और मजदूर, ऊपर वालियां राज करती हैं और गिरी पड़ी जाहिल पत्थर ढूंढती हैं। क्या पढ़ी लिखी भी होती हैं? क्यों नहीं साहब, बड़े शहरों में ऊंचे तबकों के रंडी खानों में फटाफट इंग्लिश बोलती जरा तीखी चुलबुली की बड़ी मांग है। वैसे जवान और गोरी भी चलती है, पर जरा तर्रार फैशनेबल हो तो गाहक उस पर ज्यादा ही जल्दी रीच जाता है। रंडी पर सूरत ही से नहीं चलती, थोड़ी बुद्धि चाहिए। शकील, तुम इस कारोबार में कैसे फंस गए? बाबूलाल फिर गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। मुझे डर लगा उठकर चल देगा, मगर वो फिर मेरी परेशानी भांप कर मुस्कुराया और सोफे पर आराम से ढलक गया। उसकी सुर्ख आंखों में गम और गुस्सा ओत कर आया, फिर ठंडा पड़ गया। अगले सवाल से आपको मैं फिर तकल्लुफ में उतर आई, मुझे आप ना कहिए, तकल्लुफ होता है। वो अपने हाथों को उलट पुलट कर देखने लगा। मैं छोटा सा था, कितना छोटा, कोई चार पांच का सिन होगा, जब मेरे अब्बा इंतकाल कर गए। अम्मा उस वक्त 19-20 की होंगी, कांटा चुभ गया था या कोई कील होगी, 3 दिन में ख़त्म हो गए। टिटनस जी वही रहा होगा। उसके बाद बस इतना याद है कि मेरी अम्मा नौकरानियों की तरह काम करती थी, बात बात पर मारपीट और गाली गुफ्तार, तोहमतें सो अलग, ताऊ बड़ा हरामजादा था। अंधेरे उजाले अम्मा को वो एकदम खामोश हो गया, मैं भी खामोश रही। जहां दो सोच में वो बीते दिनों में भटक रहा था, मेरा तखयल भी दौड़ने लगा। फिर एक दिन उसने अम्मा से निकाह पढ़वा लिया, बस फिर तो वो लट चले कि खुदा की पनाह। मैं इतना छोटा था कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, ताई ना जाने क्यों मेरी भी दुश्मन हो गई थी और बात बेबात तमाचे जड़ा करती थी। ताऊ भी इस जूतम पैजार से तक आकर बस सांड की तरह जो सामने आ जाता उसी को धुनक के रख देता, पी कर आता और दोनों बीवियों की कुंदी करता। एक दिन मैंने शौले की पिंडली में काट खाया, बाबूलाल हंस पड़ा। अम्मा को झांकड़ से मार रहा था, झांकड़ जानती है क्या होता है, बबूल की खुश्क डाली,
हाँ अम्मा सेवैया तोड़कर सुखाया करती थी झांकड़ों पर, मगर उनमें तो उनमें कांटे तो नहीं होते थे, बबूल की ना रही होंगी। बबूल के कांटे तो बस गोश्त में घुसकर टूट जाते हैं, फिर गोश्त सड़ने लगता है। बस में भाग खड़ा हुआ, 3-4 साल तो झेला, फिर चली रही गाड़ी। 1 महीने में बंबई पहुंचा। बंबई का बहुत जिक्र होता है उधर, रजनपुर से कितने लोग आए हैं। प्रतापगढ़ के जिले में हमारा गांव है रजनपुर। क्या पैदल ही आए? नहीं जी, प्रतापगढ़ की तरफ चला था। रास्ते में कभी बैलगाड़ी, कभी छकड़े में जगह मिल गई, बस भी चलती है। कितने दिन में तो प्रतापगढ़ पहुंचा। वहां से रेल पकड़ी। दादी वो तो प्रतापगढ़ में ही चक गई, रेल में बैठा, अगले स्टेशन उतार दिया गया। रात को ज्यादा पकड़ पकड़ नहीं होती, बस यूं ही चलता रहा। फर्स्ट क्लास से खाने की ट्रे में अच्छी खासी झूठन मिल जाती। खोंचे वाले भी कभी कभी बासी पूरी दे देते। एक पुली तो मुझे गोद में लेने पर तुला था। बे औलाद होगा साला, या मुझसे मजदूरी कराने का प्लान बनाया होगा। बंबई पहुंचा तो घिग्गी बन गई। भीख मांगना बड़ा आसान समझते हैं, अरे यहां भीख के अड्डों पर भी कब्जा होता है किसी ना किसी का। बाहर वाले की बड़ी मरम्मत होती है। बाबूलाल ने सिगरेट सुलगाई, मैंने भी मस्का मारने के लिए एक मांग ली। एक बात बताऊं, सिगरेट मांगना सख्त यारी और बराबरी का सबूत है। बाबूलाल ने फौरन जूते उतार कर पैर मेज पर फैला दिए, फिर खूब जोर जोर से सर खुजाया, आवाजदार जमाइयां ली तो चेहरे की तनावें धीरी पड़ गई। बंबई सेंट्रल के गेट पर खड़ा रो रहा था कि एक भले आदमी को रहम आ गया। गौर से देखा, आजमगढ़ का है छोकरे, मई रजनपुर पोस्ट कुंडा। अच्छा अच्छा, प्रतापगढ़ का। वो थोड़ी देर तौलता रहा, फिर जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। जा पहले उधर होटल में रोटी खा, फिर वो सामने कपड़ों के फुटपाथ पर ढेरी है। एक निक्कर और बनियान मैंने खरीदी और रबड़ की चप्पल, बरसात में ठीक रहेगी। और देख, तेरा जी चाहे तो भाग जा, 10 रुपया अपन के लिए कोई बात नहीं। उधर किराने की दुकान है नुक्कड़ से आगे चल के, उधर आ जाना, मारपीट नहीं चलेगी। काम चाहिए काम मिलेगा। उन दिनों 12 आने की चप्पल मिलती थी, 1.5 रुपये का नीला निक्कर और 8 आने की बनियान। 14 आने में पेट भर पूरी भाजी और 2 जलेबी। निक्कर की जेब बार बार टटोलता था कि पैसे छन छना रहे हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। 10-12 दिन वो मुझे लेके शहर में घूमता रहा।
तब इतने मालों की बिल्डिंगें नहीं थी, पर गेटवे, ताजमहल होटल और फैला हुआ समुद्र देखकर चला गया। मुझे याद है पहली फिल्म अप्रैल में दिखाई बिंदु भाई ने, यही नाम था उसका। मैं तो कलाबाजी खा गया, काम तो बिंदु भाई ने कुछ नहीं दिया। मैंने पूछा तो बोला, क्यों मरा जाते हैं, सारी उम्र काम ही करेगा, जरा घूम घाम ले। बिंदु भाई उसका नाम हरगोविंद था। हम लोगों के ऐसे नाम होते हैं जिससे कुछ जात पात का पता नहीं चलता, धंधे में अड़चन पड़ती है। और फिर खुदा मुझे याद ही कब था जो भूलता, पर बिंदु भाई मंदिर जाता तो मुझे भी साथ ले जाता, और उसकी नकल में उल्टा सुलटा हाथ जोड़ के प्रसाद ले लेता, चवन्नी अठन्नी गल्ले में डाल देता। ऐसे धंधे में पूजा पाठ से बड़ा सहारा मिलता है। मस्जिद में जाकर दो रकात नमाज पढ़ ली, रूह पाक हो जाती है। मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये थी क्यों नहीं? उन दिनों नया नया पार्टीशन हुआ था, तकी भाई इधर कुलाबा में धंधा चलाता था। कुलाबा पॉश एरिया है, तकी भाई भी पॉश आदमी था। उसकी एक हेयर कटिंग सैलून की दुकान थी, धंधा छोड़ दिया था, मगर जहाजी गोरे इधर आते जाते थे। लेकिन उन्हें ऊंचा माल सप्लाई करना कोई नीच काम नहीं, इसके अलावा उसका प्राइवेट भी चलता था। प्राइवेट यानी, अब आप क्या समझेंगी, बड़ा उलझा हुआ मामला है। बाद सेठ लोग माल अपने फ्लैट में मंगवाते हैं, 10-12 छोकरियों का ऑर्डर मिलता है, हाई क्लास माल, बाजारू नहीं, घरेलू माल। या खुदा, ये घरेलू माल क्या होता है? मैं चकरा गई। थोड़ी देर बाद बाबूलाल अल्फाज तोलता रहा, फिर एकदम बोला, जब सेठ लोग ऊंची पार्टियां करते हैं तो 3 दिन रातें हो हक में गुजर जाती हैं। घर पर कह जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं। महीने में ऐसी कई पार्टियां हो जाती हैं, सेठ थक जाते हैं घर में से, यानी नौजवान बल्कि अधेड़ उम्र भी जो दमदार हों ऐसी पार्टियों में शिरकत चाहती हैं, उनका कोऑपरेशन मिलता है। और वहाँ पति देव से मुठभेड़ हो जाए तो? नहीं साहब, बड़ी मोहतात होती हैं, पूरी खबर रखती हैं। ओफो, तो हो सकता है एक साहब की बीवी दूसरे के पास और दूसरे साहब की बेगम उन साहब के पास, हो सकता है। ये अदल बदल तो सुना है यूरोप में भी बहुत चल रहा है, यहाँ भी हो जाएगा। और कौन जाने, हो भी गया हो, हमको क्या लेना है इन चक्करों में पड़ के। हमारा धंधा नहायत सेफ है। हाँ, कभी पी पिला कर करौंद मच जाता है, छुरी चाकू निकल आते हैं। बाबू भाई ने बड़े तकल्लुफ से खटकेदार चाकू निकाला और हथेली पर तौलने लगा। मैंने सांस रोक ली, अगर बाबू भाई आहिस्ता से ये चाकू मेरे सीने में उतार दे तो ये राज कभी कागज पर ना उतर पाएगा। बाबू भाई ने बिना खोले चाकू वापस जेब में डाल लिया
मुझे अपने शक पर बेहद दंदामत हुई। यह धंधा सारे मुल्क में फैला हुआ है। अपने सेठ के तो बैंगलोर, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, बल्कि सुना है यूरोप तक में शेयर हैं। तकी भाई कह रहे थे बाकायदा इन शेयर्स के नीलाम होते हैं, दामादों को जहेज में दिए जाते हैं, जुए में हारे जाते हैं। मुझे बौखलाया हुआ देखकर बोले, सच पूछिए तो इस धंधे के बगैर काम नहीं चलता। बड़े बड़े सौदे इन्हीं पार्टियों की मदद से होते हैं। आजकल पार्टियों में रौनक तभी होती है और जो सेठानियां आती हैं वो एक कोने में जत्था बांधे कपड़ा जेवर का जिक्र खैर करती रहती हैं, बच्चों के कारनामों का दुखड़ा रोती रहती हैं, साथ आई कुंवारी बेटियों की निगहबानी करती हैं। वो भी पार्टियों में हिस्सा लेती हैं। मेरा मतलब है कुंवारी बाली व बेटियां नहीं साहब, वो बड़ी संभाल के रखी जाती हैं। उनका बाजार अलग है। मेरा जी जल रहा था कि क्या बात कह दी आपने। वैसे मर्जी से भाग के चली जाए तो और बात है, वरना बड़ी छानबीन के सौदे होते हैं जिनकी दास्तानें ना हो बहुत पीते होंगे, यानी नेक नहाद दामाद। नहीं जी, अगर मोटा आसामी हो तो कड़वी बातों का सवाल नहीं उठता। कौन नहीं जानता कॉलेजों की लड़कियां क्या गुल खिलाती हैं। बस कॉलेज की लड़कियां ही गुल खिलाती हैं। ये जो पवन पुल और फॉरेस्ट रोड वालियां हैं ये तो कॉलेज नहीं जाती। अरे साहब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, वो अनपढ़ होती हैं, बदसूरत भी होती हैं, घरों से भाग कर आती हैं या अगवा कर ली जाती हैं। भगाने वाले सौदा करके चल देते हैं, वो कोई भी हो। अगर ये गुल न खिलें तो हम जैसे चोरी करें या भीख मांगे। कितनों को उनकी बदौलत दो वक्त की रोटी मिलती है। तभी तो ये धंधा दुनिया से कभी नहीं मिटेगा। चीन और रूस में ये धंधा नहीं होता, मगर वो तो लामजहब हैं, शादी ही नहीं करते। क्या शादी गारंटी है कि धंधा नहीं होता? अभी आप ही बता रहे थे कि बाबूलाल जुजबुज हो गया। मैं डरी क्या भागा, मैंने जल्दी से बात पलटी। मगर ये रेड लाइट एरिया बड़ी बेरहमी तो है जी। जानवर ज़बह करना भी कह दीजिए कि बेरहमी है, मच्छी मुर्गी, मगर इंसान का ज़बीहा किस मज़हब में वाजिब है? मज़हब को बीच में ना लाइए। बाबूलाल गर्व होने लगे, मैं भागे नहीं। आप पक्के मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मजहबी तालीम बंबई में आकर मुकम्मल की। नमाज पाबंदी से तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलता है पढ़ता हूँ बाजमात। जी हाँ, ईशा और फजर की कज़ा हो जाती है। कुरान, वो हरामजादे ताऊ के बच्चे ने मकतब से उठा लिया। नमाज तो बंबई में आकर सीख ली, और फिर जमात पर तो ज़्यादा पर्दा नहीं पड़ता, इमाम ही पढ़ता है। जी हाँ, पूछूं फिर बिंदु भाई ऐसा ही हिंदू होगा, मगर टाल जाना मुनासिब समझा। हज का इरादा है? बड़ी अकीदत से बोले, बहुत बहुत शुक्रिया शकील मियां,
आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं खुद जाऊं तब भी इतनी बातें नहीं मालूम हो पाएंगी। फॉरेस्ट रोड पर से गुजरना भी मुश्किल है, बजाय उनके मेरा सर झुक जाता है। किस नफरत से मुझे देखती हैं, भला दिल की बात क्या कहेंगी। बरसों से देख रही हूं, आंखें सिर्फ झुक जाती हैं पटम नहीं हो जाती। अरे आप इतनी जज्बाती हो रही हैं, घर में गलादत की नाली हो तो अंधेर मच जाएगा। भला सोचिए, ये जो लाखों मजदूर अपने घर बार छोड़कर मजदूरी करने आते हैं, बीवी बच्चों को तो साथ नहीं लाते, क्या उनकी इंसानी जरूरियात का कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए। मगर इतनी गलादत, गरीब का हर मोड़ पर गलादत से वास्ता पड़ता है। उसका घर गंदा, मोहल्ला गंदा, जिन होटलों में खाने की कुदरत है वो गंदे, पानी गंदा, हवा गंदी, तो औरतें क्या उन्हें पैडल रोड और कुलाबा की मिलेंगी। मैं चुप रह गई। अगर ये औरतें ना हों तो औरतों का रहना चलना फिरना मुश्किल हो जाए। वैसे ही ये भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट से इतना नहीं बचता जो ये जरूरत पूरी करने पर खर्च कर सकें। इसलिए रेप, बलात्कार की वबा फैलती जा रही है। इसका इलाज तो कुछ नहीं, कयामत के आसार हैं। बाबू भाई उठ खड़े हुए, फिर कुछ सोचकर बोले, आप मेरे घर चलेंगी? जरूर। कब? बस अभी, आज मुझे फुर्सत भी है, पवार साहब की ड्यूटी पर हूं। मेरी बीवी समझती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं। गांव में भी सब पर रोब है, मजा ये है कि इस धंधे में भेद खुलने का कोई खतरा नहीं। भेदी के अपने भेद भी तो हैं। जब मेरे पास कुछ पैसा हो गया तो मैं बड़े ठाट से गांव गया, रोब पड़ गया। मेरा ताऊ मेरे आगे पीछे दौड़ने लगा, पैगाम आने लगे, लड़कियां दिखाई गई, मुझे रफीका पसंद आई। 2 साल मंगनी रही, मैंने फ्लैट खरीदा, सजाया और उसे धूमधाम से ब्याह लाया। नवी जमात में थी, मैंने सोचा मैट्रिक कर ले। गोरखपुर से आई हुई थी मेरी खाला। अब देखिएगा रफीका को, लाजवाब बीवी साबित हुई। तुम भी तो लाजवाब हो शकील मियां। मैं बनावट की कायल नहीं, तुम इस गलादत में पलकर भी इतने अच्छे इंसान बन सके ये कोई मामूली बात नहीं। सब बिंदु भाई और तकी मियां की इनायत है। आप समझती हैं धंधे में सभी कमीने हैं, कसम से इस धंधे में सबसे कम बेईमानी है। खौफ खुदा इस धंधे में रहकर परवान चढ़ता है। हर नमाज में खुदाए जुलुल जलाल से गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। मेरे गुनाह वही बख्शने वाला है, वो सत्तार है, वो रहमान भी है। हम बाइकला की एक नई इमारत के 3रे माले पर पहुँचे। 2 बेडरूम का फ्लैट बिल्कुल बाइकला के मैार से समझ सजा हुआ था। प्लास्टिक के फूल, हाथ के काड़े कुशन, मक्का मदीना की तस्वीरें, खरिया मिट्टी का ताजमहल, पाकिस्तानी सिरामिक का गुलदान, आर्टिफिशियल सिल्क के पर्दे, टीवी जिस पर कढ़ा हुआ गुलाब,
हाथ के बने मेजपोश, एक शेल्फ में शीशे के खिलौने, चांदी के खिलौने, डिबियाँ वगैरह। रफीका सुर्ख टिशू का किमोनो पहने जूड़ा बांधती निकली, भर भर हाथ सोने की चूड़ियाँ, टॉप्स और गले में चेन, मासूम सी नमकीन सूरत, बेहद बारीक नुची हुई भवें, धुला हुआ चेहरा। इंग्लिश के लफ्ज मिला मिला कर बड़े तीखे अंदाज में बोल रही थी। आया बेबी लोगों का टिफिन ले जाना, थर्मास ना भूलना, आई अम्मा से भी मिल लीजिए, मुझसे कुछ ही छोटी होंगी उम्र में, लेकिन शकील मियाँ की अम्मा हड्डियों का ढांचा लग रही थी। अम्मा ये आपा हैं, तुमसे जिक्र किया था ना, शकील मियाँ झुककर बोले, शायद ऊंचा सुनती थी। जीती रहो, बैठो। उन्होंने खाली खाली आंखों से इधर उधर देखा, अम्मा को दिखाई नहीं देता, बहुत इलाज करवाया कोई फायदा नहीं। इंशाअल्लाह हज को गए तो विलायत भी ले जाएंगे, रफीका बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंखें बीनाई से महरूम नहीं वो कौन सी बीना है। मैंने कहा, सॉरी मैंने सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता जो आंखें बीनाई से महरूम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जो आंखें बीनाई से महरूम नहीं वो कौन सी बीना है। मैंने सोचा। तो ये थी कहानी अंधा युग। कल फिर आऊंगा, कुछ और सुनाऊंगा।